दिल्ली की रामलीला मैदान में आज कांग्रेस भारत बचाओ रैली करने जा रही है। रैली के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार को इकोनॉमी, किसान, बेरोजगारी के अलावा महिला सुरक्षा के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। रैली में कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा भी उठाएगी। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस बिल का विरोध किया था। इस रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। भारत बचाओ रैली में शामिल होने के लिए देश भर से कार्यकर्ताओं और आम लोगों को रामलीला मैदान में आने को कहा गया है। और क्या स्थिति वहां पर इस वक्त नजर आ रही है, जाने के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी हर्षा का, जो मौजूद है वहां पर। हर्षा, वहां पर अब कौन कौन पहुंच चुका है इस वक्त, वहां पर क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, अगर आपको बताएं तो यहाँ पे रामलीला मैदान में जितने भी दिग्गज नेता हैं और साथ ही साथ अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी की बात की जाए तो ये तमाम लोग 10:30 बजे के अराउंड आएंगे। लेकिन जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल प्रभारी हैं, जो अलग अलग राज्यों के अध्यक्ष हैं, वो तमाम यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सब अंदर व्यवस्था को देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार कैमरा पैन करके दिखा देती हूँ कि रामलीला मैदान की असल तस्वीर क्या है, क्योंकि यहाँ पर भारी संख्या में लोग देश के हर कोने से पहुँचे हैं। जिम्मेदारी दी गई थी लगभग 1 से 1.5 महीने पहले से ही मैदान में इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। मुख्य मुद्दा यही है कि देश में जो अहम मुद्दे हैं उसको जनता के सामने लाना, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी समेत जिससे महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा के साथ साथ ये जो नागरिकता संशोधन कानून है उसको लेकर जनता के बीच में आना और केंद्र सरकार की नीतियां किस तरीके की, इसको जनता के सामने बताना कि ये ठीक नीतियां नहीं है। इन तमाम अहम मुद्दों से सरकार जो है लोगों का ध्यान भटका रही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की अहम रैली है और साथ ही साथ इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए देश के हर कोने से तो लोग आए हैं, लेकिन 40,000 से ज्यादा कार्यकर्ता अकेले यूपी से ही हैं। राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता अपने साथ आम जनता को लेकर भी पहुंचे हैं। फिलहाल बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से, आप कहाँ से आए? मध्य प्रदेश, सागर जिला। आपको ये पता है कि रैली किस वक्त लिए की जा रही है, मुद्दा क्या है इस रैली का? कई मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं और देश में और भी जो स्थिति है जिनसे लोग नाखुश है, उन तमाम मुद्दों के लिए हमारी आज कैसे यहाँ पे इन मुद्दों के बारे में चर्चा करके किस तरह से इन मुद्दों को जनता के बीच ला पाएगी कांग्रेस? हम लोग आज किसान विरोधी सरकार के लिए उसमें है, बिल्कुल इसको सरकार को अलग करना चाहिए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, इसको नहीं किया। उसको नहीं उसको यहाँ पे बताइए, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया किसानों के लिए। युवा विधि सरकार है और हमारे लिए किसानों के लिए कुछ नहीं करता और किसान सबसे दुखी किसान है। पूंजीपतियों के लिए ट्रेन भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जब ये जो इस रैली में जो बड़े तमाम नेता हैं, सोनिया गांधी की बात की, राहुल गांधी अगर वो पहुंचे का सिलसिला शुरू होता है, हम आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया।